स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू का एक बहुत इंपॉर्टेंट इसे डिस्कस करने लगे हैं, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबता है यार। और ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे कंसीडर किया जाता है। और एक बार फिर मैं आप लोगों को एक अच्छा और लेंथी मटेरियल जो बोर्ड हमसे डिमांड करता है वो प्रोवाइड करूँगी, और उम्मीद है कि आप सबको वो पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। दहर में ऐशे दवाम आयन की पाबंदी से है, मौज को आज़ादियाँ समाने शेवन हो गए। इस्तलाह में इस्लाम से मुराद वो तरीका ज़िंदगी है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया के ज़रिए से लोगों तक पहुंचाया, और इसकी तकमील आलमी बनी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। साताहियात से मुराद है कवानीन और हदायत का एक ऐसा मजमूआ जो पूरी इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू का अहाता करे, गोया ज़वाबित की एक ऐसे फहरिस्त जो पैदाइश से लेकर मौत तक तमाम इंसानी मौजूआत रूहानी जिस्मानी जिनसी मुआशी और इमरानी वगैरह के बारे में खुल कर बयान करे। इरशाद बारी ताला है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक संदेशा दीन इस्लाम है, पसंदीदा दीन इस्लाम है। ये हकीकत है कि इब्तदाए आफरीने से इंसान कभी मजहब की सूरत में और कभी सामाजिक कायदे की सूरत में किसी न किसी ज़ाब्ते हयात की पाबंदी करता है। अल्लाह ने जिस ज़ाब्ते को इंसानियत की कामयाबी और कामरानी का बुनियादी माखज़ है, और वह इस्लाम शरीयत मुहम्मदी जो कुरान की सूरत में मौजूद है और क़यामत तक के इंसान के लिए रहनुमाई है। मुरतब हो गया मंशूर हक दस्तूर आज़ादी, निज़ाम कुफर व बातिल के मुकद्दर में थी बर्बादी। अल्लाह ने इस कायनात को वजूद बख्शा और बेशुमार मखलूकात को पैदा फरमाया। इंसानों की रहनुमाई के लिए हज़रत आदम से लेकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया मबूस फरमाए। बस मेरी तरफ से तुम्हें हदायत पहुंचती रहेगी, और जो मेरी इस हदायत में ज़िंदगी गुजारेगा उस पर कोई खौफ हो खजन ओ मलाल ना होगा। इंसान को उठते बैठते सोते खाते गर्ज हर अफाले ज़िंदगी का तरीका और हदायत इस्लाम ने सिखाया है। अल्लाह ने इंसान को अपना नए बनाया और तमाम अशिया को इंसानों के लिए पैदा किया। इकबाल ने क्या खूब फरमाया है, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, इखाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अल्लाह ने कायनात की हर मखलूक के किसी मकसद के तहत बनाया है। इंसान की तख्लीक का भी एक खास मकसद है। अल्लाह ने इंसान को अपना नायब बनाया, इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। इरशाद-ए-बारी ताला है, यानी बेशक मैं इंसान को ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फिर फरमाया, वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इस्लाम से पहले हर तरफ जहालत थी, कोई ज़िंदगी गुजारने का तरीका ना जानता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद आपने इस्लाम को फैलाना शुरू किया और अल्लाह के बताए हुए तरीकों के मुताबिक इंसानों को ज़िंदगी गुजारने का हुनर सिखाया। कुफर टूटा है, अंधेरों का सफ़र ख़त्म हुआ, आपका फैज़ मुबारक है उजालों का समा। इस्लामी तारीख से पहले देखें तो हर तरफ जहालत का दौर था, लोग एक दूसरे की इज्जत नहीं करते थे, खून के प्यासे थे, एक दूसरों के कातिल, और इसके अलावा बेटियों को जिंदा दिलगोर करने वाले और औरतों के हकूक की कदर ना करने वाले थे। इस्लामिक तारीख में इस्लाम आने के बाद इबादत में रुकू और सजूद और जिक्र नमाज के साथ अल्लाह की मुकम्मल इताअत भी शामिल है। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसी लिए मुसलमान, मैं इसी लिए नमाजी। मौजूदा इंसानी ज़िंदगी को तीन बड़े पैगम्बरों में तकसीम कर दिया गया, सियासत और मुआशरत और माशरत। इस्लाम के सियासी निज़ाम की इस असास यह नज़रिया ये है कि हुक्मरानी और हाकमियत सिर्फ अल्लाह को हासिल है, जैसा कुरान मजीद में अर्शाद है, वो खुदा जिसके हाथ में बादशाही है बड़ी बरकत वाला है और हर चीज़ पर कादिर है। सियासी तौर पर इस्लाम ने इंसान को ये सिखाया कि वो कानून इलाही की पाबंदी करे। सियासी तौर पर हज़रत उमर फ़ारूक ने कानून और सियासत करने का तरीका सिखाया, और गैर हर पैगम्बर ज़िंदगी के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत दी। लकत काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतन हसना, तख्लीक तुम्हारे लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। हजूर ने सबसे पहले तौहीद की तालीम दी कि अल्लाह को एक तसव्वुर किया जाए और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। सूरह इख़लास में भी इरशाद है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना इसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, और कोई उसकी बराबरी का नहीं है। इस्लाम से पहले लोग अपने हाथों से बनाए हुए आग और सूरज और दरियाओं की पूजा करते थे। इसके बाद हजूर ने अकायद की तालीम दी जिनमें तौहीद और फरिश्तों पर ईमान और किताबों पर ईमान, आखिरत पर ईमान और रसूलों पर ईमान शामिल। सूरह बकरा में इरशाद हुआ, और सबसे बड़ी नेकी तो यह है कि ईमान लाओ अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और फरिश्तों पर और किताबों पर और पैगम्बरों पर। अकायद के इंसानी ज़िंदगी पर गहरे असरात होते हैं जिनमें इज़्ज़त नफ्स और इनकसार और वुस्सत नज़र, रिजाइयत और इत्मीनान क़ल्ब, परहेज़गारी, ईमान और अमल सालेह शामिल हैं। सूरह तौबा में भी अल्लाह का इरशाद है, बेशक अल्लाह परहेज़गारों को दोस्त रखता है। इसके बाद कुरान, जो कि हमारी सारी ज़िंदगी के लिए हदायत है, कुरान करीम एक जिंदा किताब है और मौज़ों के अलावा एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात भी पेश करता है, और अगर गौर किया जाए तो यह बात भी कुरान के मौज़ा होने और इसके किताब होने का सबूत है। कुरान मजीद में
अल्लाह का भेजा हुआ और बहुत बेहतरीन ज़ाबता हयात है, और कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कुरान में हो होता है जन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते गिरदार। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया और कहा गया कि मैं खुद इसकी हिफाजत फरमाऊँगा। इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यही वजह है कि 1400 साल गुजरने के बावजूद आज तक इस मुबारक किताब अपने हरूफ व इराब व हरकात व अल्फाज व तरकीब आयात व तहरीम व तकरीब और तज़ीम व तफ़सीर के अंदाज़ में वही मुकाम रखती है जो अहदे रिसालत में था, जो अहदे खिलाफत में था। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा, ये कौल मोहम्मद कौल खुदा अज़्वाए जल फरमान ना बदला जाएगा। इसके अलावा इस्लाम ने 5 अरकान पर बहुत जोर दिया है, जिसने इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं जिन पर इस्लाम की इमारत इस्तवार है। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और कलमा शहादत पर ईमान शामिल है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इस्लाम की इमारत 5 सुतूनों पर उठाई गई है, और इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, नमाज अदा करना, ज़कात देना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। सही बुखारी की यह हदीस शरीफ है। सबसे पहला अकीदा कलमा शहादत है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं, और इस बात की गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। नमाज दूसरा रुकन है जो हर इंसान पर फ़र्ज़ है, जो इंसान दिन में 5 वक्त अदा करता है। शाहदे बारी ताला है, वकीमुस सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, कायम रखो नमाज और मत हो शिर्क करने वालों में से। तीसरा रुकन रोज़ा है जो रमज़ान के महीने में फ़र्ज़ होते हैं। इसमें इंसान फजर से मगरिब तक भूखा रहता है और इसको अपने गरीब भाइयों का एहसास होता है। शाहदे बारी ताला है, सो जो कोई इस महीने को पाए और इसके रोज़े ज़रूर रखे। ज़कात चौथा रुकन है जो हर साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। अशादे बारी ताला है, अकीमुस सलाता व तुज़्ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। आखिरी 5वां रुकन हज है जो हर साहिब इस्तेदात पर फ़र्ज़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, हज का सामान तैयार रखो, ये भी एक जहाद है। इसके बाद इस्लाम ने अदल व इंसाफ का भी कब्र पर भी तलकीन दिया, और एक हदीस पाक में है, आदिल सुल्तान ज़मीन पर खुदा का साया है। इन अरकान पर अमल करने से इंसान मसावात, अदल और इस तरह अखलाकी अच्छाइयाँ करता है, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह ताला उसको पसंद करता है जो उसकी मखलूक की कदर करता है और इनके हकूक अदा करता है। कर्ज अपने वालदैन, पड़ोसी, रिश्तेदारों और मजहब व मिलत की खिदमत करना चाहिए। इंसान को एक दूसरे के काम आना चाहिए और आपस में हमदर्दी और इसार का बर्ताव करना चाहिए। देते दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताद के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। और इसके अलावा मौलाना ताफ हुसैन हली ने भी क्या कहा है, यही है इबादत, यही दीनों ईमान, के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। इसके अलावा इस्लाम ने हमें मसावात का दर्श दिया है कि हर किसी के साथ बराबरी का सलूक किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बस किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं है, किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फोकियत हासिल नहीं है। फजीलत का मियार सिर्फ तकवा पर है। इसके अलावा इस्लाम ने गुलाम के हकूक पर भी बहुत जोर दिया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं जिनको अल्लाह ने तुम्हारे लिए मातहत कर दिया है। जो खुद खाओ उनको भी खिलाओ और जो खुद पहनो उनको भी पहनाओ और इनकी ताकत से ज़्यादा उन पर बोझ मत डालो। इसके अलावा इस्लाम हमें हुकूक़ुल इबाद की तलकीन करता है, जिसमें हमसाया और रिश्तेदार और तमाम लोग शामिल हैं। इन हकूक में मियाँ बीवी औरतों के भी हकूक शामिल हैं, और औरतों के साथ नेकी की ज़िंदगी गुजारो। और सबसे अहम हकूक रिश्तेदारों और वालदैन का है, और वालदैन और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। इसके बाद हमसायों के हकूक के बारे में भी इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शख्सीर होकर खाना खाए और इसका हमसाया भूखा रहे वो मोमिन नहीं। इस्लाम सिर्फ यही नहीं बल्कि अखलाक की तलीम भी देता है। अखलाक का दायरा बहुत वसी है। इस्लाम अखलाकियात का मुकम्मल ज़ाबता पेश करता है और अपने पैरोकारों को रास्तबाजी और इमानत और दयानत और रिफाए अहद, अदल मसावात, इखावत, उमड़वत और एहसास का पैगाम देता है, और झूठ, चुगाखोरी और हसद भुगत जैसी आदत से बचने की तलकीन करता है। कुरान जिन में इरशाद हुआ है, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक अच्छे हों। इसके अलावा इस्लाम ने हमें बेहतरीन माशी निज़ाम पेश किया है। इस्लाम ने हमें माशी तरक्की के जरिए बताए हैं और पाक तरीके से रिस्क को हलाल तरीके से जमा करने और कमाने का तरीका सिखाया है। इसके अलावा सूद से दूर रहने की भी तलकीन किया है, सूद की मुखालफत की है और नमूदा नमाइश से मना फरमाया। मौशियत के बारे में कुरान मजीद में इरशाद हुआ है, ए लोगों, ज़मीन में जो हलाल और पकीज़ा चीज़ें हैं वो खाओ। इसके अलावा इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता याद होने के हवाले से जिस तरह ज़िंदगी के दूसरे शोबों में रहनुमाई करता है, इस तरह वो माशरती रवाबित में हकूक़ फ़राइज़ के तयन के लिए भी है एक निज़ाम वाज़ह करता है, जिसे इस्लाम का माशरती निज़ाम कहते हैं। इस्लामी माशरा हुकूमत व बाहमी तआवुन पर जोर देता है, तमाम मुसलमानों का आपस में भाईचारे का दर्श देता है। इन्नमल मुमिनूना उखुवा, बेशक तमाम मोमिन आपस में भाई हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और इयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस्लाम के माशरती निज़ाम के मुतालिक तस्वुर इंसानी, जिसकी बना पर सब इंसान बराबर हैं, कोई किसी पर
किसी बना पर इम्तियाज नहीं रखता। तवक्कल की ये मायनी है कि खुजस तेज रख अपना, हंजर तेज रख अपना, फिर अंजाम इसकी तेजी का मुकद्दर हवाले कर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना और मसाल हैं, और इस्लाम में कहीं भी महदूद महदूद नहीं और बल्कि लामहदूद हैं। इस्लाम को सिर्फ एक मजहब ही नहीं कह सकते, क्योंकि इस्लामी तालीमात बेहदूद वसी हैं। इस्लामी ज़िंदगी के हर लम्हा, हर पहलू, हर मसले को बेहद खूबसूरती से रहनुमाई करता है। इस्लाह आलम का बस अब सामान होना चाहिए, सब का दस्तूर अमल कुरान होना चाहिए। हजूर को अल्लाह ने तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो कौले शायर, ए खुदा जिस्म में जब तक कि मेरी जान रहे, तेरे महबूब के सदके तेरी कुर्बान रहे। इस्लाम ये तालीम देता है कि दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी दोनों की इस्लाह ज़रूरी है, इनमें से कोई भी तर्क नहीं की जा सकती, इन दोनों में कोई तसाद नहीं। इसलिए मुसलमानों को ये दुआ सिखाई गई है, रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ऐ रब्बुल इज़्ज़त, हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भी बेहतरीन नज़र दे, और हमें आपके हिसाब से बचा। मुख्तसर ये कि इस्लाम पर एक ही फितर शामिल है, मुझे ये डर है दिल जिंदा तो ना मर जाए, कि जिंदगानी इबादत है तेरे जीने से। इस्लाम वो दीन है जो अल्लाह ने हर किसी की फितरत में रखा है। इस्लाम अमन और सलामती का दीन है। अरशाद है, अपने मुंह सबसे मोड़ कर दीन की तरफ कर लो, यही फितरत है जिस पर खुदा ने इंसान को पैदा किया। इसके अलावा इस्लाम ने शर्म हया औरत का जेवर और मर्द जीनत कहा है। कुरान में अरशाद है, मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नज़रें नीची रखें। इसके अलावा इस्लाम ने तहारत और पखीज़गी पर भी बहुत जोर दिया है, तहारत निस्कीमान है, यह हदीस पाक है। इसी तरह इस्लाम ने तजारत के भी कुछ असूल बताए हैं, और इसके मुतालिक अरशाद हुआ है, और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल मत कम करो, यही यानी कि बीह में ख्यालत ना करो, ढंडी ना मारो। अरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दयानतदार ताजिर जन्नत में मेरा हमसाया होगा। माशरे में रहने के लिए अदल व इंसाफ बहुत ज़रूरी है। जब अदल व इंसाफ को पमाल कर दिया जाए और अफराद के हकूक पमाल कर दिए जाएँ, तो इस्लामी कानून की नज़र में सब बराबर हैं। इसके मतलब भी इरशाद होता है कुरान जिद में, बेशक अल्लाह ताला अदल व एहसान का हुक्म देता है। क्योंकि एक माशरे के कई क्योंकि माशरा जो है वो कई फ्रैक्चर बनता है। अगर हम इस्लाम के असूलों पर चलें और अपने आप को एक जगह पढ़ लें और इतिहाद से इन पर अमल करें, तो हम तरक्की याफ्ता कौम बहुत आसानी से बन सकते हैं। इफराद के हाथों में कौम की तकदीर, हर फर्द है मिलत के मुकद्दर का सितारा। कुरान मजीद में भी इरशाद हुआ है, लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है, बगैर कोशिश के इंसान कुछ हासिल नहीं कर सकता। अल्लामा इक़बाल ने भी फरमाया, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी आप हालत बदलने का। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला का फरमान है, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरके में ना पड़ो, यानी कि तफरकेबाजी फ़िरकाबाजी छोड़ दी जाए। और आजकल हमारे पास फ़िरकाबाजी जो है वो बहुत आम है। अगर इस्लाम ने हमें अपनी ज़िंदगी की रहनुमाई और हदायत के लिए कुरान और दूसरा नियत पर अमल करने का कहा है, दुनिया में बड़ी तब्दीलियां आई हैं और आती रहेंगी, इसी तरह हुकूमतें भी आती रहेंगी और जाती रहेंगी, लेकिन इस्लाम मुकम्मल और फदीन है। बकौल अल्लामा इक़बाल, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सताया है कुन फाया कुन। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इतना ही उभरेगा जितना दबा देंगे। इस्लाम ने हमारी दुनियावी उखरवी ज़िंदगी में तवाज़ुन रखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो सोता भी हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ और इफ्तार भी करता हूँ, आली ज़िंदगी भी गुजारता हूँ। अल्लाह से डरो, तुम्हारे नफ्स का तुम पर हक है और तुम्हारी आंखों का तुम पर हक है और तुम्हारे अहलो अयाल का तुम पर हक है, तुम्हारे मेहमान का तुम पर हक है। इस हर एक हक इसके हकदार को अता करो। मेरी हदायत ये है कि रोज़ा भी रखो और इफ्तार भी करो और नमाज भी पढ़ो और सोया भी करो। यूँ इस्लाम ने इंफरादी इज्तमाई ज़िंदगी के दरमियान इम्तियाज़ और तवाज़ुन कायम किया है। इसके अलावा इस्लाम में जहाद की भी बहुत फजीलत है। अरशाद है, बेशक अल्लाह उनको पसंद करता है जो इसकी राह में सफ बांध कर निकल पड़ते हैं, गोया वो सीसा पलाई हुई दीवार हों। इस्लाम को दीन फितरत है जो मुकम्मल साबता है, याद है इस्लाम को कुदरत ने लचक दी है, इतना ही उभरेगा जितना के दबा देंगे। इसके अलावा इस्लाम ने हमें तलीम हासिल करने का भी दर्श दिया है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को पर बेहद एहसानात किए हैं, इसी तरह तलीम हासिल करना एक नेमत है, एक नेमत है जो जाहिल और आलिम इंसान में फ़र्क करता है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने ये इल्म इज़ाफ़े की दुआ सिखाई, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। सआदत सियादत इबादत है इल्म, बसीरत है दौलत है ताकत है। सो स्टूडेंट्स, अगर इस ऐसे में मज़ीद अगर आप कोई अशार ऐड करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो अशार कुछ अशार हैं, 6 से 7 अशार हैं, उनमें से आप कोई एक से दो मज़ीद ऐड कर सकते हैं। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुढ़ान में। कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोरे बाजू का, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। गरीब और सादा रंगीन है दास्तान हरम, नहायत इसकी हसीन इब्तदा है इस्माईल, नहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माईल। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, ये वाला एक शेर है।
ये भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा खुदा के सिवा छोड़ दो सब सहारे, ये वाला भी एक शेर आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो मैंने पहले अपनी वीडियोस में भी बताए हुए हैं। इसके अलावा और जो अशआर इनमें ऐड किए जा सकते हैं वो है जहाँ में अहले ईमान सूरत खुशरू जितने भी हैं, इधर डूबे इधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, सीरत ना हो तो आरज और सार सब गलत, खुशबू उड़ी तो फूल फक्त रंग रह गया, राजी हयात पूछ लो खिजर चबिस्ता गाम से, जिंदा हर एक चीज़ है कोशिश ना तमाम से, मुझे ये डर है कि दिल जिंदा तो है तो मर ना जाए, कि जिंदगानी इबादत है तेरे जीने से, उतर कर हीरा से सुए कौम आया, इन एक नुस्खा है कीमिया साथ लाया। और इसके अलावा एक शेर होता है नगाह इश्क मस्ती में वही अवल वही आ गई, ये शेर भी आप इनमें ऐड कर सकते हैं। सो ये एक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ऐसे था जो हमने डिस्कस किया, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये ज़रूर पसंद आया होगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।